आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद स्थानीय निवासियों ने आज उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर स्थानीय लोगों को माल रोड में प्रवेश करने की मांग की, साथ ही फरवरी माह तक वाहनों के प्रवेश की बात कही। बताते चलें कि उप जिलाधिकारी द्वारा माल रोड में 4:30 बजे से 10:30 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। और आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर स्थानीय लोगों को माल रोड में प्रवेश करने की मांग की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि माल रोड में स्थानीय लोगों के निवास हैं, साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को कायम रखा जाए और स्थानीय निवासियों को माल रोड में प्रवेश करने दिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव प्रकाश राणा ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और प्रशासन द्वारा माल रोड के बैरियर बंद कर दिए जाने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड में रहने वाले लोगों को अपने घरों में जाने में दिक्कतें आ रही हैं और प्रशासन द्वारा माल रोड के बैरियर बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया है, जो कि स्थानीय लोगों के साथ न्याय संगत नहीं है। बताता हूँ कि मसूरी जो माल रोड है उसमें एक पहले से नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 महीने का बोर्ड वो प्रस्ताव पारित किया कि 12 महीने जो पर्यटकों की जो गाड़ी आएगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज्यादा छेड़छाड़ न करें और जो स्थानीय लोग हैं उनको शीतकालीन सत्र में, हम सिर्फ शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो बैरियर खुला रहता है और नए साल में जो बंद कर दिया जाता था 1 हफ्ते के लिए, हम उनके साथ है। लेकिन स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु इस माल रोड को खुला रखें, क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे बच्चे बाहर स्कूलों में जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं पढ़ाई करने जा रहे हैं, या कई लोग हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 5 या 6 बजे ही मसूरी पहुंचते हैं, तो वो किस तरह अपने घरों में पहुंचेंगे, क्या कब तक वो 10:30 बजे का इंतजार करेंगे। और मसूरी का दुर्भाग्य है कि मसूरी में कहीं भी पार्किंग नहीं है। अगर आउटर में कहीं पार्किंग होती तो वो लोग वहां लगा देते, उसके बाद वो वहां से चले जाते। अगर वो कहीं माल रोड पे या माल रोड के बाहर सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां लगा के खड़ी कर देंगे तो और समस्या पैदा हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग आ रहे हैं और अगर उनके द्वारा भी माल रोड पर कहीं गाड़ी खड़ी जाती करी जाती है तो शासन प्रशासन स्वतंत्र है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चालान करे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है उप जिलाधिकारी महोदय से कि हम विनम्रता के साथ उनसे आग्रह कर रहे हैं कि माल रोड की जो व्यवस्था है उसको सुधारीकरण किया जाए और आम जनता के लिए आप माल रोड से ना भेजिए, कैमल बैक होते हुए आप भेज दीजिए, लेकिन माल रोड पे सुचारू यातायात चलता रहे, स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। बस हम हमारे ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शित किया है और अगर शासन प्रशासन हमारी बात को फिर भी नहीं देखता है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन की होगी। आज के ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराना है शासन प्रशासन को कि ये जो हम लोग जो आप लोगों ने आदेश जारी किया है, जो कि आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोकल लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना होगा, किसी गाड़ी है, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी के बूढ़े स्त्री महिलाएं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो उन्हें अपने घरों में तो जाना होगा ना। 4:30 बजे आपने बैरियर बंद कर दिया, तो ये नियम तो पहली बार यहाँ पर लागू हो रहा, तो ये गलत चीजें हैं। इससे पहले SDM यहाँ पर रहे हैं, पहले से भी यहाँ नगर पालिका ये चली, हमने देखा है 2003 में जब यहाँ पर एक प्रशासक बैठा था तो उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया। अब 4:30 बजे आपने बैरियर अगर बंद कर दिया तो गलत है। हम लोगों को अगर घर में, हम ये नहीं कह रहे कि माल रोड के अंदर की गाड़ियां आप खड़ी कराओ, हमारा बोलने मतलब है कि हमारे जब घर अंदर है तो भाई हम कहां जाएंगे, कहां आपके द्वारा पार्किंग बना दो ना बाहर, हम खड़ी कर लेंगे वहां पे। और नियम बना दो पहले से ही, जब आपके द्वारा नगर पालिका के द्वारा ही एक नियम बनाया गया कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ये सभी के लिए माल रोड अगर खुला रहेगा तो ठीक है ना, उस नियम को तो अपने आप मानो ना। पहले जो नियम आप लोग बना रहे आप उसी को खुद ही नहीं मान रहे, तो हम लोग कैसे समझ लेंगे इस चीज को, और जनता को क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आपके माध्यम से कहना है कि भैया ये जो दिसंबर का जो महीना चल रहा है, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक को आप इस चीज को खोल दो, और हम हमेशा शासन प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं मतलब फैले किसी। अगर ऐसा नियम अगर इन्होंने बनाया है और हम लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर मत बोलना कि अशांति हो रही है।
आप इस चीज को सुधारिए। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ गाड़ियां अंदर माल रोड पे खड़ी करनी है, उनकी व्यवस्था के लिए आप लोग ड्यूटियां लगाओ वहाँ पे, और जो गाड़ियां खड़ी है उनका चालान करो, कार्रवाई करो। लेकिन लोगों को घरों में तो जाएंगे ना, 10:30 बजे तक बाहर कैसे खड़े रहेंगे? अब वो जो आदमी नौकरी करने के लिए भी जाता तो उसकी छुट्टी लगभग 5 बजे होती है शाम को, 5 बजे बाद वो अपने घर में जाएगा तो कैसे जाएगा? बाहर अगर गाड़ी खड़ी करेगा तो कहाँ खड़ी करेगा? उसकी जिम्मेदारी एसडीएम साहब लेंगे जिन्होंने ये नियम बनाया। तो ये अपने आप में। उत्तराखंड मसूरी से अरुण कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।